पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक बार फिर जिला अस्पताल सुर्खियों में आना शुरू हो गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उन मरीजों की जो जिला अस्पताल में गरीबी की हालत में अपना इलाज कराने आते हैं। और मरीज ये सोचते हैं कि यहाँ उनका इलाज सही तरीके से हो जाए, लेकिन यहाँ के सभी डॉक्टर सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो अस्पताल में भर्ती मरीज बोल रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। जी आपको सुनाते हैं मरीज की जुबानी। आप तो अब बुड्ढे हो गए हैं, टाइम आ गया है आपका, आपको दवाई भी नहीं लगेगी क्योंकि अपना और हमारा टाइम खराब करने आ जाते हो। जी हाँ, ये जिला अस्पताल के डॉक्टर साहब जी का बोलना है। यूं तो योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग में गरीबों की मदद करने के लिए सरकार की योजनाएं चला रही है, इन योजनाओं के चलने का क्या फायदा जब जिला अस्पताल के डॉक्टर गरीब मरीजों का इलाज करने से मना कर देते हैं। योगी सरकार इन योजनाओं को चलाकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, या तो फिर डॉक्टरों को सबक मिलना चाहिए क्योंकि सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद जिला प्रशासन जिला अस्पताल के डॉक्टर पर अपना शिकंजा कसती है या नहीं। बेहोशी हो रही थी, चक्कर बैठे, चक्कर आए गिर गए, इधर ये पैर में इतनी चोट है, सिलेंडर गिर गया था, चला नहीं जा रहा था। डॉक्टर के पास आए, यहाँ एडमिट हो गए, मगर बस वो ये बोझ कर लेने चाह दी, एक इंजेक्शन मेरे लगाया और दवा दी, कहा कि आपकी छुट्टी हो रही है, आपके लिए दवा नहीं है, उम्र आपकी हो गई है, आखिर आप वक्त है, यहाँ तक कहा कि आपके दवा काम नहीं करेगी, आपके खाओ पियो घर मौज लो। अब मैंने कहा साहब घर को करने वाला नहीं, औलाद के ऊपर क्या भाव है, नहीं देता वो, नहीं खिलाता, तो अब हम किससे मांगे, भीख मांगे। अब यह सरकार का है तो सरकार के हिसाब से हम यहाँ भीख भागेंगे, यहाँ मदद मिलेगी आदमी को, वरना और कहाँ जाना, सड़कों पे भीख मांगने लगे।